महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प नसून अनर्थसंकल्प आहे, कारण सर्वसामान्य माणसाला कर रचनेत कोणताही दिलासा न देणारा, नोकरदारांची निराशा करणारा हा अनर्थसंकल्प असून आभासी विकासासोबतच या सरकारने आता आभासी चलन आणण्याचा प्रयत्न केला असून नोटबंदीचा पुनर्प्रत्यय या आभासी चलनामुळे सर्वसामान्य माणसाला येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून हा अनर्थसंकल्प अत्यंत निराशादायक आणि कुणाचाही कल्याण न करणारा अर्थसंकल्प आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।